अब सामने में ये नज़ारा देख रहे हैं आप, क्या खूबसूरत से नज़ारे हैं भाई साहब। आगे ही है 16 किलोमीटर, ये क्या हो रहा है, नहीं चढ़ पा रही है भाई। नीचे में था यहाँ पे बाइक, ये मस्त सुंदर सा घाटी है। अच्छी नज़ारा भाई लोगों को देखो, मस्त बैठ के सेल्फी ले रहे हैं। Hey guys, welcome back my YouTube channel Vlogs Roll पे भी फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, हमने भोरमदेव का वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, काफी अच्छा व्लॉग बनाया है हम लोग। अभी टेंपल ओपन हो चुके हैं तो अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं चिल्पी घाटी, जो कि बहुत खतरनाक घाटी है। उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, लेकिन जब इतना दूर आया हूँ तो चिल्पी घाटी का भी आनंद ले लेते हैं। पूरे नज़ारे यहाँ के, काफी भक्तगण आए हैं घूमने के लिए। काफी कुछ सब्सक्राइबर भाई मिले हैं जो अभी ग्रुप में खड़े भी हैं, उनसे मुलाकात किया हमने। अभी यहाँ से गए चिल्फी घाटी के लिए निकलते हैं। बता रहे थे भाई कि वाटरफॉल है रानी दहरा वाटरफॉल, वहाँ कभी व्लॉग बनाइएगा, वहाँ भी अभी पानी अच्छा खासा है करके। क्या हो गया गाड़ी, अब चालू होगा, अब होगा राइट। चलो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। इस साइड से है भोरमदेव का गार्डन वाला हिस्सा है, पीछे तरफ से है मेन एंट्री गेट है। और ये भाई को देखिए कैसे गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब, बने अकन के चलागा। चिल्फी घाटी यहाँ से 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, चिल्फी घाटी का आनंद लेते हैं गाइस। उससे पहले अपन चाय नाश्ता करेंगे क्योंकि भूख लग रहा है, ऑलमोस्ट 2:50 हो रहे हैं। और अभी तक भाई मैं सोचा था कि दोपहर के बाद से मौसम चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी भी कड़कती धूप है। चलो अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हुआ, बारिश होता तो अपन ये क्या है भाई भोरमदेव, अच्छा यहाँ से भी प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार बहुत जगह से दिया हुआ है भोरमदेव के लिए, पीछे से आगे से दाएं से बाएं से। पिकनिक मनाने के लिए आए हैं कुछ लोग, गेड़ा मार के रखे हुए हैं। अरे वाह, रोड तो काफ़ी अच्छा बना हुआ घुमावदार, इधर लबालब पानी भरा हुआ इस साइड में। ये वाला रोड मैं फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ चिल्फी घाटी के लिए। भैंस डूबी हुई है वहाँ पे, भैंस बहुत सारे। रानी दहरा वाटरफॉल को भी अपन व्लॉग बनाएंगे, तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन इनेबल करना ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए से ही आपको पता चलता है कि मैंने नया वीडियो डाला हुआ है। अब सामने में ये नज़ारा देख रहे हैं आप, क्या खूबसूरत से नज़ारे हैं भाई साहब। कवर्धा चारों तरफ बता रहा हूँ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और यहाँ तेंदूपत्ता भी है, स्थानीय लोग यहाँ पर तेंदूपत्ता इकट्ठा करके बेचते हैं। अरे मस्त है भाई, मोड़ ही मोड़ है भाई इस रोड में तो, घाट जैसे बाइक राइडिंग का मज़ा ही कुछ और है। मस्त फीलिंग लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। और ये जो जगह है भाई मस्त एल्बम बनाने के लिए अच्छा है। कुछ गर्ल्स लोग जा रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, चिल्फी घाटी जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे, क्योंकि यह रोड तो वहीं लेके जाती है। वीडियो ले रहे हैं, बैन जारी 7 किलोमीटर। अरे घाट जैसे बना हुआ है ये, देखो ऐसा पूरा चढ़ान है, यहाँ पे मोड़ ज़्यादा है भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ। अरे वाह शानदार सा नज़ारा है चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी करके लिखा हुआ था, आगे ही है 16 किलोमीटर। ये क्या हो रहा है, हमारी गाड़ी चढ़ के नहीं पा रही है। ये नहीं है ना चिल्फी घाटी, ये नहीं है, लेकिन काफ़ी मोड़ है ये वाली रोड में भी।
अरे गिरेंगे इन लोग और कुछ नहीं है। अरे तेरी की गाड़ी तो चढ़ नहीं पा रही है भाई अपनी। नहीं चढ़ पा रही है भाई, क्या करे, फर्स्ट गियर में रखा हुआ हूँ मैं। ओए शाबाश यार, मस्त लग रहा है, लेकिन ऐसे ग्रुप रहे तो मज़ा भी आता है राइड करने में। पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं हम लोग, हमारी गाड़ी की जो पिकअप है ना बहुत कम हो गया है, पत्थर ही पत्थर इस साइड तो। अरे वाह, तबाही नज़ारे हैं। सामने में है भोरमदेव टेंपल, वहीं से हम लोग आए हैं और नज़ारे को देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत सा ये नज़ारा है। राइट साइड में बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो ये चट्टाने देखिए गाइस, तो यहाँ से पानी रिज रिज के ये पूरा देख रहे हो, पूरा पत्थर सड़कों पे आ चुकी है। ये वाली रोड शायद बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्थानीय लोग ही इस्तेमाल करते होंगे। एक बाइक वाले आ रहे हैं, काफ़ी टर्निंग है भाई। अभी चिल्फी घाटी आप लोगों को दिखलाते हैं, काफ़ी ख़तरनाक मोड़ है। जय श्री राम। अरे तेरे की चट्टाने ही चट्टाने इस साइड तो, नज़ारे ही नज़ारे हैं। बताओ चिल्फी घाटी का ये छोटा रूप है समझ लो। ऊपर से व्यू देखते हैं अपन, वॉच टावर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और यहाँ पे वॉच टावर बना हुआ है जो हमारे पीछे साइड में है, और ये जो चट्टाने हैं इसको देखिए भाई, काफ़ी ख़तरनाक है। तो चलिए ऊपर से अपन व्यू देखते हैं। हमारे कुछ भाई लोग ऊपर चले गए हैं, कुछ भाई लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, तो सीढ़ी दी गई है तो सीढ़ी के थ्रू अपन चढ़ाई करते हैं। चलो हरे भरे पेड़ पौधे, वाह नज़ारे ही नज़ारे हैं भाई, सही है भाई ये जगह। चलो अच्छा हुआ अपन इस साइड आ गए तो पता चल गया, नहीं तो ये जगह अपने को पता ही नहीं चल पाता। ये चट्टाने नहीं, अरे वाह क्या दृश्य है, काफी खूबसूरत था। अल्टीमेट मेट, अल्टीमेट मेट। बाकी गाइस अभी मैं जस्ट नीचे में था, यहाँ पे बाइक, ये मस्त सुंदर सा घाटी है, इसके बारे में पता था नहीं? पता भाई, पहली बार हैं यहाँ पे। काफ़ी शानदार सा ये नज़ारा है और ये फर्स्ट टाइम अपन इस साइड एरिया में आए हुए हैं। अगर भोरमदेव नहीं आते तो शायद पता नहीं चल पाता। हम लोग तो बाहर ही बाहर से निकल के जाने वाले थे, अच्छा वही वाली रूट इस्तेमाल कर लिए। ये एकदम शॉर्टकट लग रहा है और भाई लोगों को देखिए सब। चलो गाइस अब नीचे उतरते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोगों को लगभग 3 बज गए हैं। पता नहीं है कितना लंबा है ये, अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और वॉच टावर से भाई गजब के नज़ारे हैं, कभी भी इस रोड से आपका गुजरना होता है ना, बेशक आप रुक कर फ़ोटो ले सकते हैं लेकिन सावधानी से। ये देखिए नज़ारा, भाई लोगों को देखो मस्त बैठ के सेल्फी ले रहे हैं। मोड़ ही मोड़ है भाई इस घाटी में, मोड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम मेन घाटी देखना चाहते हैं, ये भी कुछ कम नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे रोड है करके। अरे वाह यहाँ पे खूबसूरत सा गांव भी है, थूहा पानी ऐसा करके लिखा हुआ है ये देखिए। आज तो दिन बन गए भाई खूबसूरत सा बाइक राइडिंग में, लाजवाब एरिया में आए हैं अपन भोरमदेव।
वाले एरिया में काफ़ी लोग आते हैं लग रहे हैं। हाईवे जो है हमें सामने नज़र आ रहे हैं, जो भाई लोग वहीं से आ रहे हैं। जारी करके लिखा हुआ है और गाइस यहाँ से चालू होता है चिल्फी घाटी का एरिया। अपन जब भी आए हैं ना तो ये वाली रोड से आए थे, राइट वाली रोड से, क्योंकि इस रोड के बारे में, जिस रोड से भी हम गुजर रहे हैं, इस रोड इसके बारे में हमें पता ही नहीं था। और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ट्रक खड़े रहते हैं, ढाबा वगैरह भी है।